भाइयों और बहनों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है तो हमारी बहनों को हुआ है, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य था कि आजादी के इतने दशकों तक हमारी अधिकतर बहनें बेटियां इस लाभ से वंचित रही। स्थिति ये थी कि माताएं बहनें अपनी छोटी बचत को रसोई में राशन के डिब्बे में रखती थी, उसके लिए पैसा रखने की जगह वही थी, अनाज के अंदर रखे रखना। और कुछ लोग तो इसे भी सेलिब्रेट करते थे, जिस बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक बनाए गए हैं उसका उपयोग आधी आबादी न कर पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता थी। जनधन योजना के पीछे इसी चिंता के समाधान का भी अहम रोल रहा है। आज इसकी सफलता सबके सामने है। जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट में से आधे से अधिक बैंक अकाउंट हमारी माताओं बहनों के हैं, महिलाओं के। इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है। जब ये सर्वे किया गया तब तक देश में लगभग 80% महिलाओं के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बैंक अकाउंट शहरी महिलाओं के लिए खुले हैं लगभग उतने ही ग्रामीण महिलाओं के लिए भी हो चुके हैं। ये दिखाता है कि जब अच्छी योजनाएं डिलीवरी करती हैं तो समाज में जो असमानताएं हैं उनको दूर करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। अपना बैंक अकाउंट होने से महिलाओं में तो आर्थिक जागरूकता तो बढ़ी ही है, परिवार में आर्थिक फैसले लेने की उनकी भागीदारी भी विस्तार हुआ है। अब परिवार कुछ निर्णय करता है तो मां बहनों को बिठाता है, उनका ओपिनियन लेता है। साथियों, मुद्रा योजना में भी लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। हमारा ये भी अनुभव रहा है जब महिलाओं को ऋण मिलता है तो उसको लौटाने में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही प्रशंसनीय है। उनको अगर बुधवार को पैसा जमा करने की आखिरी डेट है तो सोमवार को जाकर के दे आती है। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन ये भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से पाई पाई जमा करा देते हैं हमारी इन माताएं बहनें। मुझे विश्वास है कि सबके प्रयास से, सबकी भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण का यह अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और हम सब इसको बढ़ाने वाले हैं।